सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमाल देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र गंगोत्री धाम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ब्लॉग में। और सुबह की 9:15 बज चुकी है और अगर मौसम की बात की जाए तो बादलों के बीच से सूर्य देव छुप छुप के दर्शन दे रहे हैं और काफी ठंडा हो रहा आज। और इस ठंड के बावजूद भी जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री श्री गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं वो गंगा मैया के जयकारों के साथ गंगा स्नान कर रहे हैं। तो मैं कल शाम को आ गई थी श्री गंगोत्री धाम और कल शाम को ही गंगा मैया के अच्छे से दर्शन भी हो गए थे और सुबह उठ के मैंने गंगा स्नान भी कर लिया और मैं एकदम से रेडी हूँ। और आज ही मुझे उत्तरकाशी भी जाना है और यहाँ पे मेरे भतीजे की बहू भी आई हुई है, साथ में बच्चे भी आए हुए हैं। देखिए बिल्कुल विजेता भी रेडी है और ये लोग जा रहे हैं अभी जल चढ़ाने के लिए और साथ में बच्चे भी रेडी हो गए। और सबसे खास बात ये है कि इन दोनों बच्चों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा शौक है धोती कुर्ता और साथ में ये इन्होंने सांपड़ डाला हुआ है। तो बच्चों की आजकल छुट्टी है तो ये कुछ टाइम तक मुखबर रहे और आजकल ये गंगोत्री हैं। तो बच्चों कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके गंगोत्री में? और इन बच्चों की सबसे खास बात है कि इनको ब्लॉग और शॉर्ट्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो कौन सा चैनल का क्या नाम है? गंगा प्यारे ब्लॉग्स। तो आप इनका ब्लॉग्स भी जरूर देखें और इन बच्चों को भी जरूर सपोर्ट कीजिए। तो अभी मेरे हस्बैंड जी भी और हमारा भतीजा जी भी आ गए तो ये लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं भी ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकलेंगे क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। और मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं कि पहाड़ों का रास्ता है क्योंकि बारिश बता रखी है। कितने बजे से? 10 बजे से। तो जल्दी जल्दी निकलेंगे यहाँ से। और मेरे हस्बैंड जी का ड्रेस देखो आप और ये ड्रेस पहन के ये उत्तरकाशी जाएंगे तो ये भी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और विजेता को जाना था जल चढ़ाने के लिए लेकिन रुक गई हमारे वजह से रोटी बनाने के लिए। आप अभी ये देखिए थोड़ी देर पहले स्नान घाट काफ़ी खाली था लेकिन अभी स्नान घाट एकदम तीर्थ स्थल यात्रियों से फुल हो गया है। और साथ में आप ये देखिए एसटीआरएफ की वहाँ पे टीम लगी हुई है, साथ में वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप गंगा जी में डुबकी न लगाएं, आप जग बाल्टी का इस्तेमाल करें, आप अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो चलिए जी ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हमारी तैयारी हो गई उत्तरकाशी जाने की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा गंगोत्री का घर है और साथ में यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी लोग हैं जयपुर के पुरोहित, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जयपुर के राजगुरु एवं रावल गंगोत्री धाम। तो आप ये देखिए और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए विजेता बिचारी जा रही थी जल चढ़ाने के लिए लेकिन हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ये रुक गई और साथ में अब मेरे जा रही है तो मैं भी वहाँ पे से गंगा जल भरूंगी और गंगा मैया के दर्शन करते हुए जाऊंगी मंदिर से। और साथ में बच्चे भी हैं तो हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया लेकिन ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे गंगा जल चढ़ाने के बाद। तो चलिए जी अभी मैं पहुंच गई स्नान घाट में और यहाँ पे है पूजा की दुकान तो मैं भी केन वगैरह ले लेती हूँ गंगा जल के लिए। और साथ में यहाँ पे फूल प्रसाद चुन्नी वगैरह सभी कुछ है जो गंगा मैया को चढ़ता है। और साथ में मैंने भी ये वाला जर्किन ले लिया छोटा सा 2 लीटर का तो इसमें मैं भी जल भर लूंगी। तो चलिए जी अभी मैं आ गई स्नान घाट में और अभी गंगा जल भर लेती हूँ और साथ में आप भी गंगा मैया के दर्शन कीजिए। अभी मेरे साथ में है श्री पांच मंदिर गंगा सभा समिति के अध्यक्ष जी भाई जी, तो मैं भाई जी को पूछना चाहती हूँ भाई जी इस बार यात्रा सीजन कैसी रही? विगत वर्ष की भांति इस बार जो श्रद्धालु जो इतना रिकॉर्ड बोला कई वर्षों के बाद यात्री आए तो सरकार का बड़ा अच्छा सहयोग रहा और हमारे जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने सभी यात्रियों को जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ की पूजा पद्धति की और बड़े श्रद्धालु बड़े यहाँ से बड़े खुश और प्रसन्न होके गए और सबने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और माँ गंगा ने सबकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसी माँ गंगा की बड़ी कृपा है। हाय और ये देखो कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी यहाँ पे मिले हुए हैं। जय गंगा मैया। तो चलिए जी गंगा मैया के दर्शन भी हो गए क्योंकि इस टाइम भीड़ कम थी तो फिर से मैंने गंगा जी के दर्शन भी कर लिए और साथ में है यहाँ पे गंगा जी मंदिर के सामने ही अखंड ध्वनि तो इसके भी दर्शन करने जरूरी होते हैं। जब भी आप तीर्थ यात्रा पे गंगोत्री धाम आते हैं और गंगा मैया के दर्शन करते हैं तो आप इस अखंड ध्वनि के दर्शन भी जरूर कीजिए।
चलिए जी, दर्शन करने के बाद अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने जो गाड़ी है वो लगा रखी है पार्किंग में। तो गंगा मैया की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तजनों पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं माँ भगवती गंगा जी से करती हूँ। तो चलिए जी, मैं पहुंचने वाली हूं अभी पार्किंग में। लेकिन गंगोत्री धाम में जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री आते हैं जो पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए यहां पे कोई घोड़े की व्यवस्था नहीं होती है, यहां पे सिर्फ व्हील चेयर होती है जिसमें जाके आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए जी, फाइनली मैं पहुंच गई पार्किंग में जहाँ पे की मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी पार्क कर रखी है। ये देखिए, हमारे भाई बंजी भी जा रहे हैं हमारे साथ उत्तरकाशी। तो चलिए जी, अभी हम लोग निकल गए श्री गंगोत्री धाम से, और जाने से पहले गंगा मैया का जयकारा लगा लेते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अभी आप ये देखिए, सुबह का 10:30 बजे का टाइम है और जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री दिख रहे हैं वो अभी सभी गंगोत्री धाम आ रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। अभी सभी तीर्थ यात्री उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए आते हैं, और जो 2 बजे का टाइम होता है वो ज्यादातर नीचे जाने वालों का होता है जो कि गंगा मैया के दर्शन करके वापस उत्तरकाशी लौटते हैं। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए कोपांग में, और इस जगह पे जब गंगा मैया की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से मुखबा जाती है या मुखबा से गंगोत्री धाम में आती है, तो यहाँ पे ITPP द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, और साथ में ही यहाँ पे गंगा मैया की उत्सव डोली थोड़ी देर तक बिठाई जाती है और पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए डबराणी में, और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा लगभग 10 से 12 दिन पहले डबराणी के जंगलों में काफी भयानक आग लगी हुई थी, जिस वजह से कि दिन के टाइम पे यानी 12 बजे का टाइम था और एक बड़ा सा चट्टान का हिस्सा गिर के बिल्कुल रोड पे आ गया था। लेकिन यहाँ पे हादसा भी हुआ, लगभग 2 से 3 लोगों की यहाँ पे जान चली गई। लेकिन ये गनीमत रही, गंगा मैया की कृपा ये रही कि दिन के टाइम पे लंच टाइम था, क्योंकि यहाँ पे BRO द्वारा बिल्कुल काम चल रहा है पुस्ते का, जैसे कि यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं, लेकिन वो लंच टाइम था, काफी लोग लंच करने के लिए गए हुए थे। और आप ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे कि BRO द्वारा काम किया जा रहा था इस पुस्ते का। तो काफी यहाँ पे पतली रोड है और यहीं से पत्थर लगा, BRO की महिला बिल्कुल एकदम नीचे गिर गई थी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी अभी तक भी नहीं मिली। और साथ में आप ये देखिएगा, ये है यहाँ पे बाइक जिसमें कि 2 लड़के सवार थे, तो आगे वाले ने तो हेलमेट पहना हुआ था वो बच गया, लेकिन जो पीछे वाला लड़का बैठा हुआ था उसकी ऑन स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी। तो प्रकृति के साथ अगर छेड़ा खानी होती है ना, तो प्रकृति कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, और अगर जंगल में वो आग न लगती तो न ही ऐसे जान जाती किसी की। तो प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जी, अभी हम लोगों ने डबराणी भी क्रॉस कर लिया और आने वाला है गंगानी। लेकिन आजकल जो सफर में सबसे ज्यादा टेंशन होता है वो होता है जाम का, लेकिन अभी तक तो कहीं जाम लगा नहीं, आगे देखते हैं। वैसे तो गंगानी के बाद तो रोड काफी अच्छी है, चौड़ी रोड है, तो उसपे जाम नहीं लगता है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हेलगो घाट में, और जब हम लोग उत्तरकाशी से गंगोत्री जाते हैं या गंगोत्री से उत्तरकाशी आते हैं, तो बीच में 2 ही स्टॉप है, एक है भुक्की के पास और एक है ये हेलगो घाट के पास, जहाँ पे कि हम लोग चाय पीते हैं। तो अभी ये रुके हैं हेलगो घाट के पास, और यहाँ पे ना भैया बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे गांव का दूध आता है, और चाय पी लेते हैं अब। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे ना भयंकर उमस भरी गर्मी भी होने लग गई। यहाँ पे ये देखिए आप, मेरे हस्बैंड जी ने, साथ में बेटा जी भी हमारे बीरेंद्र जी, इनको गर्मी लग गई, और इन्होंने जो अपनी जो बाहर से सदरी पहनी हुई थी साथ में टोपा भी पहना हुआ था, गर्मी के मारे वो भी उतार दिया, और बीरेंद्र जी की तो तबीयत ही खराब हो गई आज गाड़ी में, है ना। चलो अब चाय पियो प्योर दूध की और तबीयत ठीक करो। और हेलगो घाट से भटवाड़ी की दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है, तो अब गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं बिल्कुल प्योर दूध की। और यहाँ पे हमारे बेटे जी की बहू भी हैं, इनकी तबीयत तो ठीक है ना। बिल्कुल, इन्होंने भी स्वेटर पहनी हुई थी वो भी उतार दी, है ना। और हेलगो घाट में इतनी गर्मी होने लग गई तो उत्तरकाशी पहुंचते पहुंचते बहुत गर्मी हो जाएगी। तो ये देखिए जी,
अभी मेरे हस्बैंड जी ने टोपी को खोल दिया क्योंकि उनको गर्मी हो रही है, और अभी ये टोपी मैंने पहन ली, तो ये है मेरे हस्बैंड जी ने जो पहनी हुई हिमाचली टोपी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये टोपी मेरे ऊपर कैसे लग रही है। अभी हम लोग पहुंच गए उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी पहुंचते ही गर्मी का एहसास होने लग गया, भयंकर उमस भरी गर्मी हो रही है। तो चलिए जी, उत्तरकाशी पहुंचते ही अब बेटा जी और बेटे जी की बहू यहीं पे उतरेंगे। तो चलिए जी, अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे, और मेरे हस्बैंड जी लगभग 1.5 महीने बाद आ रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग को ना थोड़ा थोड़ा सा खबर हो गई, क्योंकि जो लेबरा डॉग होता है ना, इनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, तो काफी मतलब यहाँ तक उसकी आवाज आ रही है बुजो। और ये देखिए आप, बिल्कुल दरवाजे में बैठा हुआ है बुजो। आलू नहीं ना यहाँ, और आप ये देखिए बुजो सबसे पहले किसके पास आएगा, आजा बुजो। कहाँ है, और ये देखो सबसे पहले गए मेरे हस्बैंड जी के पास, और ये देखिए आप आते ही मेरे हस्बैंड जी ने उसको केला दे दिया। बुजो दे तो अभी बुजो को आप ये देखिए, केला तो इसने खा लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड जी के हाथ में अभी आम है, तो इसको आम भी बहुत ज्यादा पसंद है, और इंतजार कर रहा आम की। नो बुजो, पहले सीट हो जाओ, अब हैंड दो, पहले हैंड दो। तो चलिए जी, घर पहुंचते हैं, दिन के लगभग 3:30 बज चुकी है, और लंच बनके भी तैयार है, और आज के जो लंच में बना हुआ है वो है चटनी, और ये है रायता, साथ में अरहर की दाल, चावल, और ये सलाद। तो अब टेस्टी टेस्टी लंच कर लेते हैं, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता श्रीमाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, बाय बाय।